कुछ कर रहे बैठे बैठे जैसा आपने कहा सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है। इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार, और कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है देखा जाता है हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है और हम सब के लिए, तो कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु मौर्य मुखिया हमारे बड़े भाई का वो शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। आपकी लास्ट कोई से कब बातचीत? अभी जब हमारी मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए उनको बाइट लेने गया था उनके पास में, तो उन्होंने बोला ये क्या है गाली गलौज है क्या? तो जैसे पसंद पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। मैंने कहा नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो मैंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जा, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं गाली गलौज। साफ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे, आपको पता ही है। इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाने लेकर तो बहुत लोग होते हैं, तो आज लोग के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजेश श्रीवास्तव जैसे जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी कि वो बायोपिक भी बने ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे जीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवार्ड उनके सामने वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम किया है, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए क्योंकि भारत का बहुत बहुत ही लाडला व्यक्तित्व रहे हैं राजू भाई। आपको लगता है काम करते समय शहर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कलाकारों का? किसी भी कलाकार का नहीं जाता है। उसके लिए कुछ सुझाव देंगे? बिकॉज बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना। देखिए, क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है लोगों को तो बहुत चमक धमक वाली लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो हम लोग फ्लाइटें पकड़ रहे होते हैं, जब आप खा रहे होते हैं तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तब हम सफ़र कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, दूर दूर की यात्रा, लंबी लंबी यात्रा। आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम रेट डेट कुछ फिक्स नहीं होता, ध्यान जितना रख सकते रखिए अच्छा। सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा जो उनका जुड़ाव रहा है उस पॉपुलेशन से, उस उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है, तो अब उस कमी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजेश श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड़ से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर जैसे अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजेश श्रीवास्तव फिर वो तो आसमान है, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं, और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, और ये कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में, और आप देखेंगे अगर
सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा उन्हीं के जोक्स को शेयर किया जाता है। बहुत 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 शुक्रिया। मेरा सवाल है, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, अनिल मुरार का, आज आपने प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज की है, अनिल ये नीचे बैठना, निभाए उनके साथ, आप पूरे लास्ट दिनों में उनके साथ रहे, आप दिल्ली कई बार गए, क्या क्या थॉट्स हैं आपके आज जब हमारे बीच में? द फर्स्ट थिंग, अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। हम तो अभी भी लग रहा है कि अभी आपके द्वारा कोई न्यूज़ आ जाए। सुनील भाई ने जैसे कहा, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। ही हैज बीन अ लेजेंड। अरे ये लोग घुमा रहे हैं यार। धोनी सर यहाँ पे।
इधर ना पुष्कर भाई, पुष्कर भाई तुम लोग क्या करते हो भाई? हम लोग तो घर जाए पैकअप अली भाई, इधर सर यहाँ पे सर 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 यहाँ पे सर पीछे हम लोग पैकअप कर रहे हैं सर, इधर देखिए यहाँ से अच्छा वीडियो तो वहाँ पे बने। कुछ जो मोबाइल आ रहा है ये हट ना रोहित, सर रुकिए ना सर 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 एक मिनट ना सर, सर पीछे मैम कैमरा लो ये सही सर कैमरा घुमा थोड़ा सा कौशल भाई मैं क्या करूं बताओ सर 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 अभिषेक सर सर अभिषेक सर अभिषेक सर अभिषेक सर आ जाएंगे सर सर यहां पर सर 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 एक मिनट इनका कैमरा लग रहा हाँ मेरे को इनका फ्रेम आ रहा है ना इसके लिए देखो मेरे इसमें जो उनका ही फ्रेम चल रहा है थोड़ा उधर ले जाओ तो वो हाँ एक सेकेंड है ऊपर ले सर 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 पुलिस
राम भाई बहुत दुख की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया बेनी एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए, और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ, और काफ़ी फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए हैं, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएँ की, फिर जो होना था हो गया। आपकी बातचीत हुई, इलाज बात कब बातचीत हुई उनसे? कुछ नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैं कि मिसेज के संपर्क में रहता था, और तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे, सुरेश भोसले जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात थी, फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते थे, तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने पढ़ाया, और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और अचानक ये डेथ होने की वजह से तो एक लॉस हमारे स्टेज की दुनिया में, स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज की दुनिया, हाँ, जो आज स्टैंड अप कॉमेडी इसको एक अलग या है, बिल्कुल या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो बहुत भी और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे, और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्ज़ों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसको लेकर आप क्या कहना नहीं, हमारा स्कूल रहा ही नहीं ना, हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कभी गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है, हाँ जी, तो अब जो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ, मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई? कुछ हाँ बताना चाहेंगे, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, राजू भाई की मिसेज से मेरा बिल्कुल कॉन्टैक्ट, हाँ अभी भी गए, बेचारी बहुत रो रही है, तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब दुख तो होता ही है। बाकी एनीवे, आप लोग आशीर्वाद चाहिए, लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू भाई। Gracias.
अरे पीछे आओ ना भाई, ठीक है।
इधर पे था तू यार, नीचे तो ले भाई अभी। चलो चलो चलो, जगह तो आने दो, आने दो, आने दो भाई, जगह तो अरे यार इंडस्ट्री में। टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। स्टैंड अप कॉमेडी को इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने, पहले ये देश जानता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी किसको कहते हैं। जॉनी भाई, एक जॉनी लीवर नाइट करते थे, तब जानते थे कि ये जॉनी भाई हंसाते हैं। फिर जॉनी भाई ने अपने जॉनी लीवर नाइट में उनको जगह दी, 15 मिनट की एंट्री। उस 15 मिनट की एंट्री से इतने बढ़े कि फिर राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी, फिर उनने अपनी नाइट की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 2005 में आया, आज 17 साल हो गए।
राजू भाई ऊपर ही होते रहे, कॉमेडी को लेकर उन्होंने स्थान अपना अलग ही बनाया। बेजान चीज़ों से बात करना, रिमोट आपसे बात कर रहा है, माइक आपसे बात कर रहा है, ये सोच नहीं सकते थे इससे पहले। ये राजू भाई की कॉमेडी थी, सब्जी वाला, ऑटो वाला, और गजोधर भैया तो गजब का कैरेक्टर था। गजोधर में सब कोई ये ढूंढते कि तो हमरा है, हमरी बात कर रहा है। यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में सब गजोधर को पसंद करते हैं, और करते करते फिर पूरी दुनिया पसंद करने लगी। तो भैया इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और कलाकार तो थे ही, लेकिन हमारे मित्र बहुत अच्छे, तो मित्र का खो जाना आदमी टूट जाता है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं भैया, और घर में जो बच्चे हैं उनको मालिक शक्ति दे, भाभी जी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे। दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी है, परिवार को चलाना, उनको मेंटेन करना, तो इतनी शक्ति दे मालिक उनको कि ये सारा काम करते रहे। और एक ख़ास बात बताता हूँ, जब राजू भाई मुंबई आए थे तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए, ठीक उनकी एक्टिंग करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे। एक दिन मालिक ने ओरिजिनल जूनियर से सीनियर जो ओरिजिनल अमिताभ जी हैं उनसे मिले, उनकी दुआएं मिली, और बिग बॉस सीज़न 3, आपको मालूम ना हो जो सुन रहे हैं, तो सीज़न 3 को होस्ट किया था अमिताभ जी ने, और राजू जी बिग बॉस के घर में गए थे। मैं सेकंड में गया था, उसको होस्ट की थी शिल्पा शेट्टी ने, शायद ये भी नई पीढ़ी नहीं जानती, तो क्योंकि इन्होंने सबने सलमान जी को होस्ट करते देखा। पहला शो अरशद वारसी ने होस्ट किए थे जी। तो अमिताभ जी से मिले, फिर अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद दिया। हर बर्थडे पे राजू श्रीवास्तव जाते थे, अमित जी को याद करते थे, बुके देते थे। अब इस बार अमिताभ जी ने उनको याद किया, अपने ब्लॉग में भी लिखा, तो बहुत सारी बातें अमिताभ जी से मिलती हुई हुई, क्योंकि जूनियर अमिताभ बनकर आए थे, तो अमिताभ जी का बहुत आशीर्वाद उनके साथ रहा। सर सर आपकी बात की जाए तो आप उनके साथ हिट इंडियन लाखों चैलेंज में जैसा, तो एज अ फ्रेंड आपके साथ कैसे थे और वो कितना हेल्प करते थे? बहुत हम लोग एक टॉप 6 में से एक स्टार और हमारे पीछे खड़ा है, ये है पराग कंसारा, ये गुजरात से थे। सुनील पाल महाराष्ट्र से थे, मैं मध्य प्रदेश से था, नवीन प्रभाकर पहचान कौन, और एक पंजाब से बहुत बड़े स्टार थे भगवंत मान, जो अब मुख्यमंत्री बन गए। ये हम टॉप 6 लोग थे। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात उसी मंच पे हुई, और फिर जब हुई तो क्या पूछना, उन्हें घर पे चाय पे बुलाए तो पूरे घर ने ये बोला कि राजू भाई के जो पिताजी थे वो कवि थे, बलई काका के नाम से पूरे कानपुर में फेमस थे, इसलिए उनके घर में मुझे बहुत प्यार इसलिए मिला कि मैं कविताएँ लिखता था, तो उनके परिवार से कविताओं का संबंध बड़ा पास कर रहा, तो इसलिए राजू भाई हमारे हर नए आइटम में साथ सुनाते थे, ये बनाएं देखो, अब ये इसको कैसा करें, मशवरा लेते थे। तो हम लोग बहुत साथ में रहे, और बहुत सारी बातें आपसे करने की है, मगर अब समय कम है, और लेकिन हम सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। भाभी जी को स्पेशली बहुत ताकत दे मालिक, ताकि दोनों बच्चों को वो जिस स्थान पे छोड़ गए हैं उससे आगे ले जाएं भाभी जी। उनके काम को जितने कॉमेडियंस हैं, राजू भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब उनके काम को आप लोग आगे बढ़ाएं, साफ सुथरी कॉमेडी करें, पारिवारिक हंसी पेश करें, और परिवार का दिल जीतें, देश में राजू भाई को फिर से जीवित रखें। वो जब तक हंसी है तब तक राजू भाई हमारे साथ रहेंगे। सच्चे मन से श्रद्धा सुमन पेश करता हूं, और आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे चलना भाई, चलो हो गया, यस हो गया, हम लोग हार गए। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे चलो मैं थैंक यू।
इंस्टीट्यूशन थे तो उनसे काफ़ी सीखा है सबने बहुत। हम तो उन्हें देख बचपन से देखते हुए आ रहे जी। मतलब राजू जी, हमने जब शुरुआत की अपने करियर की तो उन्हीं को देख के शुरुआत करी, और जैसे सुरिंदर पाजी है, इन्होंने तो पहले शो से लेके लास्ट शो तक और लाइव शो, मतलब काफ़ी फॉर्चुनेटली काम करने को मिला राजू जी के साथ, और बहुत सीखने को मिला। मतलब उनके जैसे ना इंसान कोई होगा और ना कभी कोई हो सकता है। हमेशा गाइड करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे, और मुझे उनके साथ 2 महीने रहने का मौका मिला जी। हम लोग टूर पे गए थे तो मैंने उनको एज पर्सन भी जाना, तो हमेशा हंसते रहना, मैंने कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं उनको, और आज मतलब वो हंसी देकर ही गए हम सबको। उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और लास्ट बार आप लोग की कब बातचीत हुई थी? हम लोग अभी मिले थे 2 महीने पुलिस फंक्शन में, लास्ट मंथ मुंबई पुलिस का इवेंट था तो हम मिले थे उनसे। फिर कुछ भी वॉइस नोट भेजना, कुछ होता था कोई कॉमेडी क्लिप है तो शेयर करना, फिर उसको हंसते रहना। बिल्कुल, शादी के बाद सुधर जाएगा। लास्ट उनसे कोई बातचीत हुई थी फोन पे? सर वो सब जूनियर आर्टिस्ट जो अपने सब मिमिक आर्टिस्ट को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। अरे मैम आ गया।